हेलो एवरीवन, साइंस आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, इससे पहले रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और वस्तु का क्या होता है, पुनर्व्यवस्था होती है, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो आइए यहाँ पर क्या की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण की। तो हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, केमिकल चेंज अर्थात रासायनिक परिवर्तन क्या इंपोर्टेंट हो जाएगा मान लिए, रासायनिक परिवर्तन। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं, यहाँ से चीजों को पिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रासायनिक परिवर्तन की पूरी क्लास का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखो क्या पहला एग्जाम्पल लिखना, दूध से दही, दूध से दही का निर्माण, ये का एक एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नंबर दो पॉइंट, लोहे पर जंग लगना, यह भी का एक एग्जाम्पल है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको पहले भी पढ़ाया गया था लोहे पर जो जंग लगती है, वह जो जंग होता है वह लोहे से बिल्कुल एक डिफर होता है, अर्थात वह एक नया पदार्थ होता है। और अपन जानते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। और अपन बात करेंगे नंबर तीन, श्वसन, श्वसन भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और नंबर चार, मैग्नीशियम रिबन का दहन, यह भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। रिबन दहन यह भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चारों सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। डायट पूछता है दूध से दही का निर्माण कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, तो अपन जानते हैं वह कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ से आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम दहन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमेशा देखना किससे, सफेद कलर की ज्वाला के साथ जलता है, पूछा गया सवाल है। मैग्नीशियम रबन रिबन जब भी जलता है तो किस तरह की ज्वाला के साथ जलता है, तो एक कलर की ज्वाला के साथ जलता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, ये था इसका बेस। आइए अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन जो, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन किस प्रकार होगी। आइए रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन अपन ने सीख लिया, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, कोई नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन को करने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात कोई नया पदार्थ बनाने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आइए यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के क्या पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो हो जाएंगे अभिकारक और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनसे कोई नया प्रोडक्ट नया चीज बनता है वह क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल न्यू होता है। और जब भी कोई नया पदार्थ बना अपन क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए जिस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए, अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। आइए अब यहां से समझते हैं चीजों को और एग्जाम्पल सारे ध्यान रखना, सब आपसे पूछता है। देखो अपन एक न्यूमेरिकल वाली अल्फाबेट वाली ए प्लस बी टेंस टू ए बी, तो ये देखो क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, तो यह अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका होता है तीर के निशान से, क्या बताता है, तीर का निशान यह हमें बताता है कि अभिक्रिया की दिशा क्या है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ है, यह तीर का निशान हमें यह बताता है। ठीक है, ये होता है इसको दर्शाने का तरीका। अब पढ़ते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, एलिमेंट अपन पढ़ चुके हैं, कंपाउंड यौगिक अपन पढ़ चुके हैं। दो देखो ये अपन मान लिया कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं अर्थात अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यह दोनों क्या कहलाए, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो इन दोनों के मिलने से अर्थात किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, वह उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। और यह क्या होता है, ये इसको बोलते हैं यौगिक, कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का, इनको दर्शाने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। क्लास डे वन है तो बिल्कुल डीप, बिल्कुल गर्त में जाके आपको पढ़ाया जाता है, नीचे से आपको उठा के लाएंगे बिल्कुल। और आप कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, SSC जिसमें CPO और स्टेनो का तो बहुत ही मेन पोर्शन यहाँ से आता है, तो आइए यहीं से चीजों को पिक करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आप देखो, आप बोलोगे देखो हम ये तो समझ गए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण हमको कैसे बनाना है, लेकिन हमने जैसे कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और ये नया प्रोडक्ट बन गया तो हमको पता कैसे चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हो गई है? बात तो ये आती है, इसमें कोई जादू थोड़ी दिखेगा हमको, रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसके भी पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लिखना सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे गए सवाल है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है सारे। पहला पॉइंट लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है हमें कैसे पता लगेगा? आइए, पहला रंग में परिवर्तन क्या बताता है? रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को बताता है। नंबर बी पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, नंबर तीन पॉइंट। आइए और बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है तापमान में परिवर्तन। और नंबर चार डी, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। देखो तो अगर कभी कोई अभिक्रिया अपन ने किसी दो तत्व एलिमेंट कुछ भी मिलाया और उसके रंग में परिवर्तन हो गया तो अपन क्या बताएंगे? इसमें केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। उसकी अवस्था, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, तीन तरह की अवस्थाएं होती है। ये अवस्थाएं अगर एक दूसरे में चेंज हो रही है तो अपन क्या बताएंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। तापमान में परिवर्तन, उसका ताप बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो यह भी काई का उदाहरण है। रासायनिक काय का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है। और नंबर चार पॉइंट क्या होगा? गैस का निष्कासन। अगर कोई अभिक्रिया में गैस निकल रही है तो अपन क्या बताएंगे? वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में सभी तत्वों के भौतिक सूत्र काय में लिखे जाते हैं, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था में कौन कौन सी हो जाएगी जिसको अपन देख सकते हैं, जैसे लिक्विड हो गई, सॉलिड हो गई, गैस हो गई, ये सब अपन को दिखता है आंखों से। भौतिक चीजें कौन सी होती है? फिजिकल चीजें जिनको अपन देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। क्या लिखा जाता है? भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। पूछा गया सवाल है एक बार, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, पढ़ चुके हैं अपन रासायनिक समीकरण, पढ़ चुके हैं और अपने ये चारों पॉइंट, इनसे अपन को पता लगेगा कोई में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग, अवस्था, तापमान, गैस में परिवर्तन, यहां तक की बात क्लियर हो गई? क्लास डे वन छोटी क्लास रखते हैं, कल मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। चैनल को प्यार देते रहिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, की अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।